तो राजन जी, फाइनली आपने मूवी देखी सलाम वेंकी, कैसी लगी मूवी और कैसा था आपका अनुभव, क्या कहना रहेगा मूवी के बारे में? मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही इमोशनल, सेंटिमेंटल, हार्ट वार्मिंग, हार्ट रेंचिंग मूवी है। मतलब ये मूवी देख के अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो आप बहुत ही पत्थर दिल हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं दिल दहलाने वाले जो आपकी आंखों में आंसू ले आएंगे और बहुत ही ज़्यादा आपको जो फीलिंग्स और इमोशंस है वो आप तक पहुँच जाएंगी। और काजोल एक बहुत ही डिफरेंट रोल में है ये मूवी में, बहुत टाइम के बाद हमने उनको देखा और बहुत ही अच्छा उन्होंने रोल निभाया एक माँ का। और ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, तो द लास्ट हुर्रा बाय सुधाकर रेड्डी मूर्ति, तो उन्होंने ये जो रियल लाइफ स्टोरी है बहुत ही अच्छे से, रेवती जी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है जो एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। और अभी उन्होंने ये साबित कर दिया कि मित्र उन्होंने पहले डायरेक्ट की थी और फिर मिलेंगे, जो लोगों को बहुत पसंद आई थी, और ये मूवी के लिए भी उनको बहुत क्रिटिकल एक्लेम मिलेगा। आई डोंट नो इफ द मासेस विल बी एबल टू यू नो, बिकॉज बीच में स्लो पेस्ट हो जाती है, बट इट इज़ वर्थ वॉचिंग। क्या बात है। जिस तरीके से स्टोरी बताई गई है जो यूथेनेशिया के बारे में बताया गया, आपको कितना अपील हुआ एंड हाउ मच आप अग्री उससे? यूथेनेशिया आई थिंक लीगल एंगल से देखें तो उसको एक क्राइम माना जाता है, तो वही दिखाया गया है। और जजेस को भी उनका जो ट्रॉमा है वो पता है, और ब्लड डोनेशन के बारे में भी बताया, सॉरी ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी बताया गया है। तो इवन द जजेस यू नो जो प्रकाश राज हैं उनको भी बहुत दुख हुआ जो उन्होंने जो उसका वर्डिक्ट दिया, बट जो है सो है अभी। बट उन्होंने मतलब इसमें ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी बताया है कि अगर कोई ब्रेन डेड हो जाए, नॉट जस्ट यूथेनेशिया बट और तरह से भी यू नो यू कैन डोनेट योर ऑर्गन्स, जो एक साइलेंट मैसेज है। यूथेनेशिया तो ऑब्वियसली इट इज़ अ क्राइम यू नो, इससे पहले आई थिंक गुजारिश मूवी में भी वो देना चाहते थे ऋतिक रोशन को। तो मुझे विशाल जेठवा का भी रोल बहुत अच्छा लगा, मतलब कभी सोच रहे थे कि वो ऐसा रोल करेंगे, इतना मतलब एक कथासिस जैसी फीलिंग आ गई उनको देख के कि कहाँ मर्दानी टू मेक नेगेटिव रोल, और यहाँ पे इतना अच्छा प्यारा सा किरदार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उनको देख के। और एक माँ बेटे की रिलेशनशिप जैसे सुजाता मदर और वेंकटेश बेटा, उनकी बहन का भी किरदार बहुत अच्छा है। बाकी सारे भी राजीव खंडेलवाल एज द डॉक्टर, या फिर और जितने भी राहुल बोस जो वकील बने हैं, सबके किरदार बहुत ही अच्छे हैं वेल एज्ड। प्रकाश राज एज द जज, और मिथुन का म्यूज़िक बहुत ही सूदिंग है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है रवि बर्मन की, जो साउथ के जाने माने सिनेमेटोग्राफर है। एडिटिंग बिल्कुल एप्ट है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया तो परफेक्ट 2.25 घंटे। तो मनन सागर जो एडिटर है उन्होंने एडिटिंग बहुत अच्छी, और डायरेक्शन तो लाजवाब है। क्या बात है। तो 200 से भी ज़्यादा मूवीज रेवती में तमिल, कन्नडा, मलयालम, हिंदी, तेलुगू में की हैं, और वो बहुत ही बड़ी कलाकार हैं साउथ की। मतलब अगर 3-4 अभिनेत्री में श्रीदेवी, जयप्रदा उनके साथ उनका नाम लिया जाता है, और एज अ डायरेक्टर भी उन्होंने मित्र और फिल्म मिलेंगे, और अभी ये सलाम वेंकी मूवी से साबित कर दिया कि वो कितनी बेहतरीन डायरेक्टर हैं, लोगों के इमोशंस को कैसे समझती हैं, कैसे लोगों की आंखों में आंसू ला सकती हैं। जिस तरीके से स्टोरी है, आप कितनी ग्रिपिंग है, ऑडियंस को कितना बिठा, बहुत ज़्यादा। इवन दो इट इज़ स्लो पेस्ड बट फिर भी आप इतना रिलेट कर पाएंगे कि अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसा हो जाए, हम लोग छोटी मोटी मुश्किलों से डर जाते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिनको इतनी यू नो संघर्ष से गुजरना पड़ता है, इतनी स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है हेल्थ वाइज। तो हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं, तो वो ये मूवी में दिखाया गया है। एंड इवन इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, यू शुड नॉट गिव अप और ओवरकम, वो सर्कमस्टांसिस में आप खुश रह सकते हैं। और वही वो माँ बेटे की एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप दिखाई है। क्या बात। लोगों को कैसे सर अप्रोच करेंगे? लोगों को बोलेंगे कि आज मैनी वेरी फ्यू पीपल टर्न्ड अप, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, प्लीज़ कम फॉर दिस मूवी, इट्स अ वेरी नाइस मूवी विद अ वेरी गुड सोशल मैसेज, तो आइए और देखिए और डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। क्या बात है सर। ज़्यादा से 5 में से कितने रेटिंग? मैं काजोल और विशाल जेठवा दोनों को 5/5 दूंगा, बट मूवी को ओवरऑल 4 स्टार्स दूंगा, क्योंकि आई थिंक मासेस के लिए इवन द म्यूज़िक भी अच्छा है, मिथुन का 2-3 गाने बहुत अच्छे हैं, बट मासेस कितना यू नो इन्जॉय कर पाएंगी, बट इट इज़ नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। ऐसी मूवीज़ को क्रिटिकल एक्लेम ऑल ओवर द ग्लोब मिलेगा डेफिनेटली, तो आई एम श्योर। थैंक यू सो मच राजन जी फॉर योर ऑनेस्ट रिएक्शन। थैंक यू।